आप सभी को जय मसीह की। आज एक नए विषय पर हम कुछ बातों को सीखेंगे और वो विषय यह है कि क्या हमें यीशु की माता मरियम से प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले हम देखेंगे कि मरियम के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। हम सब जानते हैं कि मरियम एक कुंवारी बहन थी जिनको परमेश्वर ने चुना था ताकि उनके द्वारा यीशु का जन्म इस संसार में हो जाए। लेकिन मरियम के स्वभाव के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? लूका 1:38 में इस प्रकार लिखा है कि मरियम परमेश्वर का दासी थी। लूका 1:30 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर था। लूका 1:48 में इस प्रकार लिखा है कि मरियम एक दीन बहन थी या एक नम्र स्त्री थी। लूका 1:38 में हम फिर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मरियम चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में हो जाए। इसका ये मतलब है कि मरियम परमेश्वर के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार थी, क्योंकि एक अविवाहित स्त्री जो है गर्भवती होना समाज में जो है एक अपमान का विषय है। लेकिन मरियम इन किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए यीशु का जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में वो स्वीकार करती है। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि मरियम एक बहुत अच्छी बहन थी जो परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती थी। और मरियम खुद अपने बारे में गवाही देती है लूका 1:48 में कि युग युग के लोग मरियम को धन्य कहेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या हमें मरियम से प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें जानना है वो ये है कि मरियम परमेश्वर नहीं थी, मरियम एक आम इंसान थी। परमेश्वर ने मरियम को अपनी योजना के लिए उन्हें चुना था। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बहुतों को चुना, अब्राहम को चुना, मूसा को चुना, दाऊद को चुना, पत्रस को चुना, यूहन्ना को चुना, देबोरा को चुना, हन्ना को चुना। इसी समान परमेश्वर ने मरियम को भी चुना, क्योंकि मरियम एक इंसान थी। हम ऐसे कह सकते हैं कि मरियम सृष्टिकर्ता नहीं है, मरियम सृष्टि है। मरियम अविनाशी नहीं है क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है, लेकिन मरियम नाशवान है क्योंकि उनका मृत्यु हो चुका है। मरियम उद्धारकर्ता नहीं है, लेकिन मरियम खुद अपने प्रार्थना में, अपने स्तुति के उस गीत में कहती है, लूका 1:44 में इस प्रकार मरियम कहती है, मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर में आनंदित है। तो मरियम खुद यहाँ पर स्वीकार करती है कि उनका भी एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि मरियम को भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। उद्धार हमें कहाँ से मिलता है? प्रेरितों 4:12 में इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। केवल यीशु के नाम में उद्धार है। इसलिए हमें मालूम है कि मरियम एक आम इंसान, एक आम बहन थी। उनके अंदर कोई भी ईश्वरीय गुण नहीं था, और क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं था तो उनके अंदर बहुत सारी सीमाएं थे, क्योंकि वो एक मनुष्य थी। अब उनकी सीमाएं ये है कि वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान या सनातन नहीं है, क्योंकि ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर है। अगर वो सर्वव्यापी नहीं है तो मान लो इस संसार भर के अलग अलग देशों में जो है अगर लोग मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं तो मरियम तो वो सारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मरियम आज जिंदा नहीं है। तो प्रियो, एक बात हमें यहां से पता चलता है कि मरियम एक साधारण बहन थी जिनके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं था, और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमें मरियम से प्रार्थना नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात, लोग मरियम से प्रार्थना क्यों करते हैं? बहुत से मसीही भाई बहन हैं जो मरियम से प्रार्थना करते हैं और उनका मानना इस प्रकार का है कि परमेश्वर पवित्र है, इस पवित्र परमेश्वर के पास हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम मरियम से प्रार्थना करेंगे और मरियम जो है हमारी प्रार्थनाओं को लेकर यीशु के पास पहुंचाएगी। पहला तिमुथियुस 2:5 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। ये आयत हमें ये बात को साबित कर देती है कि इंसान और परमेश्वर के बीच में और बीच में कोई नहीं है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं कि लोग जो है अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, वहां पर सिर्फ याजक जा सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तब मंदिर में जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया और वो ये बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम जो है अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, मतलब हम कभी भी परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रभु ने और किसी इंसान को नहीं रखा है। केवल यीशु का लहू है जो हमें इस बात के लिए इजाजत देती है कि हम हियाव के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। इब्रानियों 4:16 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव के साथ जाए कि हम पर दया हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हमें मरियम के द्वारा या कोई भी संतों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। एक और बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। चेले जो है यीशु के पास जाकर कहते हैं कि यीशु हमें प्रार्थना करने सिखा, और जब यीशु उन्हें प्रार्थना करने सिखाता है कहीं भी मरियम का नाम का जिक्र नहीं करता है। और पूरे बाइबल में भी हम ये बात को देख सकते हैं, किसी ने भी मरियम से प्रार्थना नहीं किया है, ना करने के लिए हमसे कहा है। एक ही घटना है, वो काना के शादी में, जहां पर मरियम जो है वहां की घटी को लेकर यीशु के पास आकर उनको बताती है। लेकिन वहां पर यीशु उनको कहता है कि मेरा समय नहीं आया है। यीशु अपने सेवकाई में अपने माता मरियम की इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते थे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि मरियम से प्रार्थना करें, और ना किसी ने किया है। और बाइबल में 10 आज्ञाओं में इस प्रकार एक आज्ञा है, तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नाम मानना और ना उनके सामने दंडवत करना। इसलिए प्रियो, हम मरियम के मूर्ति के सामने या मरियम के फोटो के सामने हम दंडवत ना करें, ना हम उनके सामने प्रार्थना करें, क्योंकि ये सारी बातें बेकार है। साथ में हमें ये भी जानना है कि हम स्वर्गदूत से भी प्रार्थना नहीं करते हैं, हम संतों से भी प्रार्थना नहीं करते हैं, चाहे वो संत कितना भी बड़ा क्यों ना हो। संत थोमा, संत पत्रस, संत फ्रांसिस, जितने भी संत को माना जाते हैं उनमें से एक से भी प्रार्थना करना बाइबल में नहीं लिखा है और प्रार्थना करना गलत है। भजन संगीता 146 का 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं करना ना किसी आदमी पर, क्योंकि उन्हें उद्धार करने का शक्ति नहीं है। प्रियो, जब बाइबल हमें साफ कहता है तो क्यों ना आज से लेकर हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, ना किसी इंसान से प्रार्थना करें, ना मरियम से प्रार्थना करें और ना किसी भी सृष्टि से प्रार्थना करें, केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।